देश का आन बान शान कहा जाने वाला HEC इन दिनों बुरे दौर से गुजर रहा है और इस बुरे दौर से गुजरने के दौरान सबसे ज़्यादा यहाँ के कर्मचारियों को दुर्गा पूजा जैसे महापर्व में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी में काम करने वाले कर्मचारियों ने बताया कि यदि दुर्गा पूजा जैसे महापर्व में वेतन नहीं मिलती है तो वह अपने बच्चों और घर के अन्य जनों के साथ दुर्गा पूजा धूमधाम से नहीं मना पाएंगे। इसी के कर्मचारियों ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार से आग्रह किया कि HEC के कर्मचारियों के जीर्णोद्धार के लिए विचार करें ताकि आने वाले दिनों में HEC के कर्मचारी फिर से खुशीपूर्वक अपना जीवन यापन अच्छे से व्यतीत कर सके। पूजा है तो स्वाभाविक है कि खर्चा हम लोग का बढ़ जाता है पूजा के दौरान, लेकिन अभी वर्तमान में लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हर माह वेतन मिले, लेकिन प्रबंधन और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो हमने मांग भी रखा है प्रबंधन से कम दुर्गा पूजा से पहले 6 महीना का वेतन भुगतान करें और साथ ही साथ कर्मचारियों का जो लंबित प्रमोशन है इसको भी कर दिया जाए ताकि जो भी हम लोग का प्रमोशन रुका हुआ है वो हम लोग का निकाला जाए। देखिए दिक्कत तो बहुत है, काफ़ी 18-20 महीना से सैलरी नहीं मिला हम लोगों को, इसलिए काफ़ी दिक्कत है। और दुर्गा पूजा का समय है, उसमें आदमी घर में कलश भी रखता है, पूजा पाठ करता है, ऊपर से बाल बच्चे का कपड़ा लत्ता नया खरीदना पड़ता है, इस संबंध में एक भी पैसा नहीं मिल रहा है तो आदमी कहाँ से करेगा। आदमी ऐसा नौबत आ गया है कि भुखमरी का समय आ गया है कि इसमें काम करेगा सरकारी एम्प्लॉई हम कह रहा है, उसके बाद भी मैनेजमेंट कुछ ना हम लोग को दे रही है, ना कुछ बात सुन रही है, ना कुछ करने के लायक है। दिक्कत तो है, बहुत दिक्कत है, किसी के देखना चाहिए कि पेमेंट देना चाहिए, काम करने वाला कैसे बनाएंगे जब पेमेंट नहीं मिलेगा तो कहाँ से खरीदेंगे, पैसा रहेगा तब ना खरीदेंगे। क्या कहिएगा इतना दिक्कत में है तो अब यही कहेंगे कि HEC पैसा दे जो काम करने वाला सब ठीक। क्या बोलेंगे, सैलरी तो मिला नहीं, उसके चलते हम लोग को बच्चा लोग का भी किसी तरह का शौक पूरा नहीं हो रहा है। पर्व है, त्यौहार, जन्मदिन आ रहा है, सब तरह से हम लोग को मन मारना पड़ रहा है बच्चा लोग का। घर चलना मुश्किल है, कपड़ा बहुत मुश्किल है, नया कपड़ा है, दुर्गा पूजा में खरीदाता था, सब रोक दिए बच्चा लोग। HEC के कर्मचारियों और उनके परिवार के लोगों ने कहा कि यदि इस बार भी दुर्गा पूजा के मौके पर कुछ वेतन नहीं मिलता है तो आने वाले दिनों में HEC के कर्मचारी अब घर से निकलना बंद कर देंगे या फिर HEC मुख्यालय के सामने धरना प्रदर्शन देने को मजबूर हो जाएंगे। रांची से ETV भारत के लिए हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट।